जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन दामन पर दाग लगा बैठे कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक वर्दी वाली की बात कर रहे हैं जो कि कागज के टुकड़ों के चक्कर में जेल में बंद है। दरअसल ये खुद, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो खुद अपनी ही जो महिला जाति है उसकी खुद दुश्मन है। जी हाँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक रेप केस को दबाने के बदले एक दो नहीं 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जी हाँ, बात 35 लाख की कर रहा हूँ मैं। उन्होंने 35 लाख रुपए रिश्वत में मांगे थे, उन्हें 20 लाख मिल भी गए थे, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। 15 लाख और उनको चाहिए थे, लेकिन 15 लाख के बदले उनको हवालात ज़रूर मिल गई। ये पूरा मामला क्या है और सुर्खियों में क्यों आया है, ये पूरा हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। पीएसआई श्वेता जडेजा पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार के एक मामले को दबाने व आरोपी को अरेस्ट करने की धमकी देकर रेप के आरोपी से 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बलात्कार केस के आरोपी से 35 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार को अरेस्ट महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर श्वेता जडेजा को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिनों के रिमांड की अपील की थी, जबकि कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड की अनुमति दी। दरअसल जीपीएम क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी केनार शाह के खिलाफ 2017 में उनकी पीए ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच अहमदाबाद पश्चिम महिला पुलिस थाने की पुलिस सब इंस्पेक्टर श्वेता जडेजा को दी गई थी। इस दौरान इसी केस के गवाह सिक्योरिटी गार्ड को धमकी दिए जाने का मामला भी केनार शाह के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। इसी केस में महिला इंस्पेक्टर ने 35 लाख की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को 20 लाख रुपए दे दिए थे। वहीं बाकी बचे 15 लाख के लिए दबाव बनाने पर आरोपी केनाल ने क्राइम ब्रांच से श्वेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई थी। जांच में आरोपी सही पाए जाने के बाद श्वेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया गया था। श्वेता ने केनाल के भाई से अपने एक रिलेटिव के जरिए 20 लाख रुपए लिए थे। श्वेता के खिलाफ दर्ज शिकायत में केनाल के भाई ने जब इस बात का जिक्र किया तो क्राइम ब्रांच ने श्वेता के रिलेटिव से पूछताछ की। रिलेटिव ने भी 20 लाख रुपए लेने की बात मानी थी और उसकी यह स्वीकृति श्वेता के खिलाफ एक ठोस सबूत साबित हुई। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।